वेलकम टू जैन अकेडमी। मैं राम आज आपके लिए लेके आया हूँ एक टॉपिक जिसका नाम है सोर्स। सोर्स क्या होते हैं, सोर्स कितने प्रकार के हैं और सोर्स के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, मैं इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ। तो इससे बेटर यह है कि आपने अब नोटबुक खोल ली होगी और वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि मैं इसमें बहुत चीजें बताने वाला हूं। अगर ये टॉपिक आपने पढ़ लिया तो आपको दोबारा बार बार किताब खोलने की जरूरत नहीं होगी। तो करते हैं स्टार्ट कि सोर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो चलो, सोर्स तो कितने प्रकार के होते हैं मैंने सामने लिख रखा है, पर यार सोर्स है क्या, कहां काम आएंगे सोर्स, क्या होते हैं? तो सोर्स क्या होते हैं, तो सोर्स याद रखें कि सोर्स क्या है, कि सोर्स वो होते हैं जो सर्किट को क्या कर सके, एनर्जी दे सके। सर्किट को जो एनर्जी देगा वही क्या कहलाएगा, आपका सोर्स होगा। फॉर एग्जांपल बात करते हैं, आपके फोन है, आपका एक सर्किट है, उसको सप्लाई कौन दे रहा है, आपका बैटरी दे रही है। तो याद रखे कि सोर्स कौन, आपका बैटरी हो गया, सेल हो गया, वोल्टेज सोर्स हो गया, करंट सोर्स हो गया, ये सारे क्या आपके सोर्स है। तो अपन स्टार्ट करें अब, तो आपको पता हो गया होगा कि सोर्स क्या है जो सर्किट को एनर्जी दे सके, सोर्स कहलाएंगे। ओके, तो आपकी बात करते हैं, तो सोर्स कितने प्रकार के, आपके दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, अनडिपेंडेंट सोर्स और डिपेंडेंट सोर्स। ओके, तो अनडिपेंडेंट मतलब किसी पर डिपेंड नहीं करते, मतलब स्वतंत्र है, और डिपेंडेंट सोर्स मतलब किसी पर डिपेंड कर रहे हैं, मतलब आश्रित है। तो याद रखना कि सोर्स कितने प्रकार के, दो प्रकार के, डिपेंडेंट सोर्स, सॉरी अनडिपेंडेंट सोर्स और आपका डिपेंडेंट सोर्स। अब अगर अपन बात करते हैं आगे कि जो डिपेंडेंट सोर्स है वो अपन ने दो प्रकार से बांट लिए हैं। कैसे कि डिपेंडेंट सोर्स दो प्रकार से कैसे बांटे, एक तो अपन मान के चलते हैं कि प्योर आइडली मतलब आदर्श, कि उसके अंदर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, और एक अपन जो हमेशा यूज में लेते हैं, है ना। तो मैंने इसको अनडिपेंडेंट को दो प्रकार से बांटा कि एक होता है प्रैक्टिकली सोर्स और एक होता है आपका आइडियली सोर्स। प्रैक्टिकली सोर्स के अंदर क्या होता है कि जो अपन हमेशा जो सोर्स काम में लेते हैं वो होते हैं प्रैक्टिकली सोर्स। प्रैक्टिकली सोर्स को नाम से पता चल रहा है, प्रैक्टिकली मतलब प्रायोगिक सोर्स। अब बात करें कि आइडियल सोर्स, आइडियल सोर्स होते तो प्रैक्टिकली सोर्स जैसे ही है, सेल भी आपका एक आइडियल सोर्स ही होता है। पर होता क्या है कि आइडियल मान लिया तो उसका जो कुछ भी रेजिस्टेंस है या फिर कोई टेम्परेचर वगैरह है तो अपन उसको नेगलेक्ट मानते हैं, आइडियल में इतना ही करते हैं। आइडियल वैसे कोई चीज होती नहीं है, कोई भी अपन क्या करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए सोर्स को आइडियल माना जाता है, हालांकि आइडियल कोई सोर्स होता नहीं है, मानते हैं। तो याद रखे कि अनडिपेंडेंट सोर्स कितने प्रकार के, दो प्रकार के, कौन से, प्रैक्टिकली सोर्स और आपका आइडियली सोर्स। अब बात करते हैं कि प्रायोगिक सोर्स है वो कितने प्रकार के होंगे, वो आपके दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, प्रैक्टिकली वोल्टेज सोर्स, एक तो वोल्टेज के रूप में पढ़ेंगे और एक अपन पढ़ेंगे करंट के रूप में। तो अपन ने लिख दिया कि प्रैक्टिकली वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकली आपका करंट सोर्स। अब अगर अपन बात करते हैं कि आइडियली वोल्टेज सोर्स कितना होगा, तो यार जितने प्रैक्टिकली है उतने ही आपका क्या होगा, आइडियली होगा। तो प्रैक्टिकली कितने थे, दो, कौन कौन से, वोल्टेज और करंट। तो इसमें भी क्या होगा, आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल आपका करंट सोर्स। अब अगर अपन बात करते हैं कि आपसे पूछे कि अनडिपेंडेंट सोर्स कितने प्रकार के, दो प्रकार के, प्रैक्टिकली और आइडियल। प्रैक्टिकली कितने प्रकार के, धारा वोल्टेज दो, और आइडियल कितने प्रकार के, धारा वोल्टेज, वो भी दो प्रकार के होंगे, देखो सामने हो गया। अब अगर अपन बात करते हैं डिपेंडेंट सोर्स, मतलब ये सोर्स क्या करेंगे, किसी पर डिपेंड करेंगे। डिपेंड का मतलब अपने को सर्किट दे देगा और उसमें जो करंट होगी वो कहेगा कि उस रेजिस्टेंस में फ्लो हो रही है उतनी करंट इसमें फ्लो होगी, ये निकालेगा। मतलब ये किसी पर डिपेंड करेंगे, और ये भी कितने प्रकार के आपके, वोल्टेज और करंट, ये भी दो प्रकार के। अब बात करते हैं कि इनका जो आपका सिंबल बनता है वो कैसे बनता है, इनका सिंबल बनेगा आपका इस प्रकार का सिंबल बनाते हैं। अगर वोल्टेज है तो प्लस माइनस से डिनोट करेंगे, अपन जानते ही हैं। अगर आपका करंट है तो उसको तीर के निशान से बताते हैं, अगर करंट ऊपर जा रही है तो ऊपर की तरफ तीर, अगर नीचे जा रही है तो आपकी नीचे की तरफ तीर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर आपने डिपेंडेंट सोर्स का तो डायग्राम बना दिया, अब अनडिपेंडेंट का तो आपने कभी बनाया ही नहीं। तो अनडिपेंडेंट का अपन अगर डायग्राम बनाए, तो अगर मैंने माना कि देखें कि
अगर अपने को वोल्टेज बनाना है तो प्लस माइनस बना दो और जो आपका वोल्टेज है वी लिख दो। ये कौन सा हो गया, ये कौन सा हो गया, अनडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो गया, हो गया। अगर मेरे को अनडिपेंडेंट करंट सोर्स बनाना है तो क्या करना है, एक तीर का निशान बना दिया और आई लिख दिया जी साहब ये रहा, ये क्या है आपका अनडिपेंडेंट करंट सोर्स। अब अपन क्या करेंगे कि एक एक करके इनको सारों को पढ़ेंगे कि आइडियल जो आपके सोर्स हैं वो दो प्रकार के हैं, वो कैसे अपन डिफाइन करेंगे और किस प्रकार के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो अपन अभी देखेंगे। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ओके। तो अब अपन देखते हैं एक एक करके इनको समझते हैं। आपने टाइप्स तो सोर्स के समझ ही लिए, अब देखते हैं अपन कि अनडिपेंडेंट सोर्स जो स्वतंत्र स्रोत होते हैं उनमें अपन पहला पढ़ते हैं कि प्रैक्टिकली वोल्टेज स्रोत, कि ये प्रैक्टिकली वोल्टेज सोर्स क्या होता है। तो अपन जानते हैं कि प्रैक्टिकली वोल्टेज सोर्स जो है जो आपको क्या करने वाला है, वोल्टेज डिनोट करने वाला है ना। तो अब अपन करें कि अपने बनाया कि एक वोल्टेज स्रोत बनाया, ये लो आपका क्या है, ये कोई आपका एक वोल्टेज स्रोत है, हो गया। अगर देखो ये वोल्टेज स्रोत है तो अपन जानते हैं कि वोल्टेज स्रोत जो है और अपन प्रैक्टिकली बना रहे हैं तो उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस जरूर होता है साहब, जानते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली का मतलब है जो अपने पास जो डाटा आता है ना, जो अपने पास सोर्स है ना, उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो वो होता है प्रैक्टिकली। और आइडियल में क्या होगा साहब, उसके कोई नहीं होगा। तो अब बात करें अपन कि प्रैक्टिकली वोल्टेज सोर्स बनाना है तो इसका मैंने एक रेजिस्टेंस बना दिया, ये मैंने बनाया इंटरनल रेजिस्टेंस बनाया, क्या बनाया मैंने, इंटरनल रेजिस्टेंस बनाया, और मैंने इसको किसके द्वारा, स्मॉल आर के द्वारा डिनोट कर दिया है। और अपन मान रहे हैं कि ये जो आपका वोल्टेज स्रोत है ये कोई लोड को क्या कर रहा है, वोल्टेज दे रहा है, प्रैक्टिकल जो वोल्टेज सोर्स है। तो यहां पर अपन ने बना दिया एक लोड, ये लोड हो गया। अब क्या करना है कि मैं इस लोड को क्या कर देता हूं, बंद कर देता हूं एक बॉक्स में, जो आपको हमेशा इंडिकेट करेगा कि जो बॉक्स में बंद हो रहा है वो आपका लोड हो रहा है। तो ये माना मैंने लोड है और इसकी वैल्यू है आर एल, और यहां पर जो वोल्टेज आ रहा है आपका वो आ रहा है वी, कितना आ रहा है वी एल कर लेते हैं, मतलब लोड पर जो वोल्टेज आ रहा है वो कितना आ रहा है वी एल आ रहा है, और आप जो सप्लाई दे रहे हो वो कितनी दे रहे हो वी दे रहे हो। तो अपन ने माना कि इस सर्किट में जो करंट चलने वाली है वो चलने वाली है आपकी आई, कोई करंट चल रही है, क्योंकि अपन क्या सोच रहे समझ रहे हैं, प्रैक्टिकली वोल्टेज सोर्स पढ़ रहे हैं, तो इसलिए अपन ने माना कि यहां से अगर वोल्टेज सोर्स है ये लोड को कोई वोल्टेज दे रहा है, तो इस टाइम जो वोल्टेज स्रोत है वो तो है V, और जो लोड पर वोल्टेज प्राप्त हो रही है वो है आपकी वी एल है, ओके। अब अगर अपन बात करते हैं कि मैंने इससे पहले आपको एक टाइप्स ऑफ क्या पढ़ाए थे, एलिमेंट पढ़ाए थे, तो टाइप्स ऑफ एलिमेंट मैंने एक बात बताई थी आपको कि जहां से आपकी अगर करंट प्रतिरोध में एंटर करती है वो सिरा उसका पॉजिटिव कहलाता है, तो ये सिरा इसका पॉजिटिव, ये इसका नेगेटिव, जहां से करंट बाहर निकलती है प्रतिरोध में से वो उसका नेगेटिव सिरा कहलाता है, हो गया। तो अब चलते हैं अपन कि इसी प्रकार करंट जो यहां आएगी तो इससे एंटर करेगी और इससे आपकी क्या करेगी, बाहर निकलेगी। यहां तक तो अपन ने इसको कर लिया, अब अपन क्या करते हैं इसमें केवीएल अप्लाई करके देखते हैं, क्या करते हैं केवीएल अप्लाई करते हैं। तो केवीएल अप्लाई करने का मतलब क्या है, सुनना, अप्लाई केवीएल। तो केवीएल अप्लाई किया अपन ने, तो केवीएल अप्लाई करेंगे तो माना कि आपकी जो करंट है वो इस डायरेक्शन में आपकी गति कर रही है, इस सर्किट में कर रही है, नहीं कर रही, इसी डायरेक्शन में चल रही है ना। अब अपन ने क्या किया कि केवीएल अप्लाई करेंगे, और केवीएल के बारे में देखो कि मैं आपको अगर अप्लाई करना नहीं आता केवीएल, क्योंकि अभी तक अपन ने पढ़ा नहीं है केवीएल अप्लाई करना, तो इसके बाद जो जस्ट टॉपिक होने वाला है वो आपका किरचॉफ लॉ होगा, उसमें मैं सब बताऊंगा कि आपका केवीएल कैसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये जो केवीएल थोड़ा मेथड यहाँ यूज हो रहा है तो अपन उस केवीएल को आगे वाले लेक्चर में जरूर देखेंगे, ओके। तो अब करें कि केवीएल अप्लाई किया, तो केवीएल कहता है कि यहां से करंट चल जा रही है तो ये माइनस आ रहा है, तो आप ही सबसे पहले इस माइनस को ले लो, फिर वोल्टेज है, वोल्टेज गणना करनी होती है केवीएल में, ये वी हो गया। अब अगर अपन यहां से चलते तो यहां पर आपका वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, तो यहां पर जो आपका वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो हो रहा है आई इंटू आर, हो रहा है कि नहीं हो रहा,
जो यहां पर वोल्टेज खा रहा है कितनी खा रहा है, आई इंटू आर, करंट आपकी आ रही है, रेजिस्टेंस आपका है, वोल्टेज कितना खाएगा, आई इंटू आर, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग खाएगा नहीं खाएगा, तो कितनी खाएगा आपका, ये प्लस आया क्योंकि ये जो प्लस होता है, तो ये आ गया आपका आई इंटू आर इक्वल, आगे चलते हैं अपन, ये प्लस है तो ये प्लस डाल दिया, और ये जो आपका लोड वोल्टेज कितना आपका वी एल है, ये वी एल लिख दिया, इन सारों का सम क्या कहलाता है, जीरो कहलाता है, केवीएल बोलता है। यहां तक तो अपना हो गया, अब अपन क्या करेंगे कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि V इक्वल, अगर मैं इसको बराबर में लेके आ गया तो प्लस का हो गया, तो आई आर प्लस वी एल इक्वल आपका जीरो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहां तक अपन देखें तो इसका कहने का मतलब यह है कि जो प्रैक्टिकली वोल्टेज सोर्स होता है, जो आपका प्रैक्टिकली वोल्टेज सोर्स होता है, वो क्या करता है कि जितने वोल्टेज का है वो उतनी की उतनी वोल्टेज आपको लोड को नहीं दे सकता, कुछ ना कुछ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस खा जाता है। फॉर एग्जांपल देखते हैं कि ये कहने का मतलब क्या था, इसका बताने का कि आपका देखो कि जितना आपका सप्लाई वोल्टेज है उतना आपका लोड वोल्टेज नहीं होगा। इसमें प्रैक्टिकल में कि माना यहां पर अपने पास कोई 10 वोल्टेज का आपने सोर्स लगाया, देखो इस प्रकार आपको समझ नहीं आए तो ये एग्जांपल देखना कि आपने अगर 10 वोल्टेज का क्या लगाया, वोल्टेज सोर्स लगाया, तो यहां पर जो आपकी वोल्टेज है माना कि वो 2 वोल्ट ये प्रतिरोध आपका इंटरनल रेजिस्टेंस खा गया, तो आप पर लोड पर पहुंचने वाली वोल्टेज कितनी होगी, 8 होगी। तो कहने का मतलब ये जो लोड पर पहुंच रही है वोल्टेज और जो ड्रॉप हो रही है उन दोनों का योग ही किसके बराबर होगा, सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि प्रैक्टिकली वोल्टेज सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जीरो नहीं होता, इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ आपका होगा। ओके, ये तो था आपका प्रैक्टिकली वोल्टेज सोर्स। अब जो अपने जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो प्रैक्टिकली वोल्टेज सोर्स से नहीं पूछे जाते, वो पूछे जाते हैं अपने आइडियल वोल्टेज सोर्स से पूछे जाते हैं। तो अपन पढ़ के देखते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स, और ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं जितने भी वो यहीं से आने वाले हैं, तो ध्यान रखें कि किस प्रकार का आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है, तो वो देखते हैं। तो मैं इसको एक बार रफ कर रहा हूं कि प्रैक्टिकल की जगह मैं यहां पर आइडिया लिख देता हूं, तो आप भी इसको चेंज करके यहां पर लिख दें आइडियल वोल्टेज सोर्स। अब आइडियल वोल्टेज सोर्स में देखो क्या होता है कि आपका जो आइडियल माना है, आदर्श माना है, तो आदर्श तो वही चीज होगी ना जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, इसको जीरो कर दिया, ये लो अब हो गया। अब अपने पास एक चीज देखें कि यहां से जो आपने अगर वोल्टेज दी है, आपने यहां से आपने कोई वोल्टेज दी है वी, वो पूरी की पूरी कहां पर मिल रही है आपको, लोड पर मिल रही है, मिल रही है ना। तो अगर अपन आइडियल की बात करेंगे तो आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस का पोर्शन है वो खत्म हो जाता है, तो कहने का मतलब ये पोर्शन जो है आपका खत्म हो जाता है, इसीलिए अपन कह सकते हैं डायरेक्ट है, जो लोड वोल्टेज होता है वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बड़े याद रखना कि आइडियल वोल्टेज सोर्स में जो आपका लोड वोल्टेज है वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा। कैसे, कि आपने यहां पर 10 वोल्टेज दिया, ये पूरी की पूरी वोल्टेज कहां पर मिलेगी आपको, लोड पर मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, तो आपको याद रखना है, तो कितना होता है, कोई रेजिस्टेंस आ रहा है क्या, नहीं ना, सीधा लोड ही आ रहा है, तो कितना हुआ, जीरो होता है। अगर प्रैक्टिकली की बात करें कि प्रैक्टिकली वोल्टेज सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, तो आपका होता है लेस देन होता है, अपन कम से कम लेना है पर होता जरूर है उसमें रेजिस्टेंस। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद अपन देखते हैं जो आइडियल वोल्टेज सोर्स से पूछे गए क्वेश्चन और कहां से आते हैं। अब देखते हैं कि अपने जो आइडियल वोल्टेज सोर्स से क्वेश्चन है वो किस प्रकार के बनते हैं, तो ध्यान रखें, अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जो काम की चीजें जो एग्जाम में पूछी गई है वो पूछा जाए, बताऊंगा मैं क्या क्या आता है। तो आपको पहली बात तो मैंने बता रखी है कि जो आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स है उसका आपका इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब आंतरिक प्रतिरोध, प्रतिरोध कितना होता है, जीरो होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपके
एग्जामों में पूछी गई बात है कि आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध कितना होने वाला है, जीरो होने वाला है, और जीरो होने वाला नहीं, जीरो होता है। ओके, अगर अपन बात करें कि आइडियल की बात हो चुकी है तो ऐसा भी तो पूछ सकता है कि प्रायोगिक वोल्टेज सोर्स या फिर प्रैक्टिकली वोल्टेज सोर्स का, तो यह लिखे कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध प्रतिरोध बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। ओके, ये दो बातें याद रखें, अभी तक अपन ने दो बात बताई है और दोनों से क्वेश्चन बने हुए हैं, याद रखना कि आइडियल वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध जीरो और प्रैक्टिकली वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध बहुत है, कम होता है, पर होता है, इसीलिए क्या हो रहा है, वोल्टेज वहां ड्रॉप हो रहा था, प्रॉपरली वोल्टेज लोड पर है पहुंच नहीं रहा था। आगे चलें, एक क्वेश्चन और पूछ लेता है इसी में, मैं साथ में लिंक करके बता रहा हूं इन चीजों को, ध्यान रखें और वीडियो को अच्छी तरह से देखते रहें साथ साथ में। अगर ऐसा पूछ ले अपने पास है कि आइडियल वोल्ट मीटर का, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, आइडियल वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो बातें हैं जो आपके एग्जाम में आ चुकी है। अगर आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन देखोगे तो उसमें आपको डायरेक्ट ये बातें मिलेगी, तो ध्यान से पढ़े इनको अच्छी तरह से। अगर अपने पास पूछ ले, इस आगे पूछता है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार का पूछ ले आपसे कि जो आइडियल वोल्टेज सोर्स है वो क्या करंट सोर्स पर निर्भर करता है या नहीं करता, तो मैं एक बार बता देता हूं आपको कि आइडियल वोल्टेज सोर्स, देखते हैं अपन इसको प्रूफ करके देखेंगे कि आइडियल वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स पर निर्भर नहीं करता, ओके। अब कैसे नहीं करता, अब सुनना कि आइडियल वोल्टेज सोर्स था वो करंट सोर्स पर निर्भर क्यों नहीं कर रहा, उसका क्या रीजन है, तो उसका रीजन ये है कि माना ये अपने पास वोल्टेज है और ये अपने पास क्या है करंट है और ये अपने पास क्या है लोड रेजिस्टेंस है। तो माना अपन जो वोल्टेज ले रहे थे वो कितनी ले रहे थे, 10 वोल्टेज ले रहे थे ना, आइडियल के केस में 10 ले रहे थे, तो आपकी जो वोल्टेज आइडियल है तो ये तो कम होने वाली है नहीं, तो 10 की 10 लिख ली मैंने, 3 केस पढ़ाऊंगा मैंने, इसीलिए इस वोल्टेज को 3 बार लिख लिया। ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट केस, सेकंड केस और ये थर्ड केस। अब देखना कि माना कि मैं लोड को बदल रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, लोड को बदल रहा हूं, माना मेरा एक बार था 1 ओम लोड है, तो उस टाइम जो आपकी करंट आएगी सर्किट में फ्लो होगी वो कितनी होगी, 10 एम्पियर होगी, होगी कि नहीं होगी। अगर मेरी बात सुनो, कैसे निकाला मैंने, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग निकाल रहा हूं, मैं ओम्स लॉ अकॉर्डिंग निकाल रहा हूं ना, I इंटू R निकाल रहा हूं। ओके, तो देखो आपकी वैल्यू I की निकालनी है तो V अपॉन R हो गया, तो I आएगा नहीं आएगा। अब अगर मैंने माना कि मैंने क्या कर दिया कि जो लोड है वो 2 ओम का कर दिया, तो उस टाइम जो धारा प्रवाहित होगी वो कितनी होगी आपकी, 5 एम्पियर होगी, क्योंकि ओम का नियम क्या कहता है, V अपॉन R इक्वल्स I, निकल गया I आपका यहां से ओम के रूल से। अगर अपन क्या करेंगे कि मैंने माना कि आपका जो लोड है वो 10 ओम का कर दिया, तो उस टाइम जो आपकी करंट है वो कितनी हो जाएगी, 1 एम्पियर हो जाएगी। ये देखो, ये तो आपका एक आइडियल वोल्टेज स्रोत था, क्या ये करंट पर निर्भर कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, इसीलिए अपन लिख देते हैं कि आइडियल वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स पर निर्भर नहीं करता। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद अपन आगे देखते हैं और क्या क्या होता है इसमें। अब अपन आगे देखते हैं कि कुछ टॉपिक और रह गए अपने, वो जो इंपॉर्टेंट जो है आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, तो नेक्स्ट एरो डाल के आप बात लिखे हैं कि जो आपका आइडियल और प्रैक्टिकली वोल्टेज सोर्स होता है, भले आइडियल वोल्टेज सोर्स हो और आपका आइडियल करंट सोर्स हो, दोनों की बात करता हूं, ठीक है ना, तो लिख दें
कि आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स, आइडियल करंट सोर्स के बारे में पढ़ाऊंगा उस टाइम, मैं लिखवा दूंगा, वोल्टेज पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं वोल्टेज देता हूं, आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स ओम के नियम का पालन नहीं करते, ओम का नियम का, ओम का नियम का पालन नहीं करते। यह बात याद रखें कि आपसे पूछे कि प्रैक्टिकली वोल्टेज सोर्स और आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या ओम्स लॉ का पालन करते नहीं करते, तो साहब बिल्कुल नहीं करते। ओके, क्यों नहीं करते, रीजन क्या है इसका, मेन इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि करते क्यों नहीं, कारण क्या है इसका, तो कारण ये होता है आपका कि जो आइडियल वोल्टेज सोर्स है, आइडियल वोल्टेज सोर्स और आपका प्रैक्टिकली वोल्टेज सोर्स क्या होते हैं, नॉन लीनियर, मतलब अरेखीय, अरेखीय एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं। ओके, तो याद रखें कि जो आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स है और प्रैक्टिकली वोल्टेज सोर्स है, ये क्या है, आपके नॉन लीनियर है, मतलब नॉन लीनियर मतलब अरेखीय है, जो ओम का नियम का पालन है नहीं करते। ओम का नियम का पालन वही करता है जो क्या होता है, लीनियर मतलब रेखीय होता है। तो ये आपका यहां तक तो हुआ जो क्वेश्चन अपने पास थ्योरी के अंदर पूछता है, क्या पूछता है, जो क्वेश्चन थ्योरी के अंदर आते हैं आपके सोर्स के अकॉर्डिंग, वो तो थे ये टॉपिक। अब अपन क्या करेंगे कि दो आइडियल सोर्सों को आपस में जोड़ना सीखेंगे। अगर दो श्रेणी क्रम में सोर्स लगे हुए हैं, समांतर में लगे हुए हैं, तो उनको अपन उस प्रकार के क्वेश्चनों को किस प्रकार से हल करते हैं और कैसे लगे होने चाहिए, उनका भी एक सीक्वेंस है, तो वो देखेंगे अपन अभी। तो इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जो मैंने ये आपको लाइंस लिखाई है, इन्हीं में से आपका ऑब्जेक्ट क्वेश्चन बनता है। ओके, अब अपन देखते हैं आगे कुछ चीजें जो आपको मैं बताता हूं कि आइडियल वोल्टेज सोर्स को अपन अगर सीरीज में होगा तो क्या करेंगे, अगर पैरेलल में लगा हो तो क्या करेंगे, अगर कितना लोड पर वोल्टेज जाएगा और कितना आपका प्लस होगा और कितना आपका माइनस होगा, वो चीजें मैं बता देता हूं। यहां से जो आपका क्वेश्चन बनता है वो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है, और जो आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, जो मैंने इससे पहले जो लाइनें लिखवाई है, उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता कभी भी। तो वो वीडियो ये जो आप अच्छी तरह से देखें, और इस वीडियो को अच्छी तरह से आप एंडिंग तक जरूर देखें। तो सबसे पहले अपन डालते हैं, तो आप भी इसको डालें नोट करके और एक नंबर डाल लें। तो नोट में एक नंबर बताता हूं कि अगर आपका जो प्रैक्टिकली सॉरी जो आपका न्यूमेरिकली क्वेश्चन बनता है वो किस प्रकार का बनता है। देखें, अगर अपने पास ऐसा कह दे कि आपके अगर दो वोल्टेज सोर्स सीरीज में कनेक्ट हो रखे हैं, कहां कनेक्ट हो रखे हैं, सीरीज में कनेक्ट हो रखे हैं, और अपने पास यहां पर कोई एक लोड दे देगा, ये लो दे दिया, और माना कि इस लोड पर जो आपका है ये लोड है, और इस आर एल पर आपका वोल्टेज कितना होगा, अगर अपने पास पूछे कि वोल्टेज कितना होगा, माना ये आपका वी वन वोल्टेज है और ये आपका वी टू वोल्टेज है, इस टाइम आपका यहां पर वोल्टेज कितना आएगा, तो ये याद रखना है कि किस प्रकार निकालेंगे। तो ये याद रखना कि ये जो जितने भी अपन है सोर्स पढ़ते हैं, किताबों में जितने भी आपके क्वेश्चन आते हैं, या अपन जितने भी बुक से रिलेटेड जितने भी चीजें पढ़ते हैं, वो सारी आइडियल मान के पढ़ते हैं, और जब प्रैक्टिकल करते हैं तो वो प्रैक्टिकल ही रहता है मामला, क्योंकि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाता है। तो अब ध्यान रखें कि यहां पर जो वोल्टेज आपका वो कितना आएगा, तो अगर यहां से सुनना कि अगर दो आपके वोल्टेज सोर्स सीरीज में लगे हुए हैं, और अब देखना किस प्रकार सीरीज में लगे होने चाहिए, दोनों सीरीज में तो लगा दिया आपने, अब लगे कैसे हैं सीरीज में, देखो कि यहां से करंट अंदर जा रही है, माना यहां से करंट अंदर जा रही होगी, तो यहां से करंट कोई अंदर जा रही है, तो यहां पर क्या आपका माइनस है
है कि नहीं है, पर आपके दिमाग में आ रहा होगा सर माइनस से कभी करंट अंदर गई है क्या। साहब हमेशा याद रखना कि सोर्स में कोई भी आपका सोर्स है उसमें पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलती है और नेगेटिव टर्मिनल से उसके अंदर जाती है। ओके, तो यहां से कोई करंट क्या कर रही है, अंदर जा रही है पॉजिटिव टर्मिनल से, नेगेटिव टर्मिनल से अंदर जा रही है। निकल कहां से रही है, पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रही है। और इसी के अंदर देखो नेगेटिव टर्मिनल से क्या कर रही है, अंदर जा रही है। इसमें भी नेगेटिव टर्मिनल से अंदर जा रही थी और इसमें भी नेगेटिव टर्मिनल से अंदर जा रही है, या अपन कह सकते हैं कि इससे पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रही है, इससे भी पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रही है। आप कोई भी एक डाटा पकड़ लेना कि नेगेटिव टर्मिनल से अंदर जा रही है, नेगेटिव टर्मिनल से अंदर जा रही है, तो भी क्या होगा, दोनों का एड। अगर अपन ऐसा कह सकते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रही है और पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रही है, तो अपन क्या कह सकते हैं, दोनों का होगा एड। तो यहां पर जो आपकी वोल्टेज आने वाली है वो कितनी आने वाली है, V1 प्लस आपकी V2 वोल्टेज आने वाली है। ओके, यहां पर आपको 10 वोल्टेज दे, 20 वोल्टेज दे, टोटल वोल्टेज कितनी आएगी आपकी, 30 वोल्टेज आएगी। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, आप थोड़ा ध्यान रखें। ओके, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट नोट के बारे में बात करते हैं, सेकंड नोट नंबर सेकंड की बात करें तो सेकंड में अगर क्या होता है कि अगर आपके पास ये सेम डायग्राम दे दे, ये लो इस बार इसने थोड़ा सा आपको चेंज करके दिखा दिया है, इस बार ये लो आपका लोड यहां पर है और यहां पर ये आर एल आपका लोड है, ये V1 है और ये आपका V2 है, इस टाइम क्या होगा। तो अब देखें कि माना आपने यहां से कोई करंट इसके अंदर एंटर कर रही है, तो यहां से कोई करंट एंटर कर रही है, पॉजिटिव से एंटर कर रही है, मामला वैसे ही बिगड़ रहा है इसका ना, तो आगे चले तो नेगेटिव से निकल रहा है, नेगेटिव से इसके अंदर एंटर कर रही है, पॉजिटिव से निकल रही है। देखो एक दूसरे के विपरीत है कि नहीं है, है ना, तो एक दूसरे के विपरीत है। तो इस टाइम अपने पास देखो डाटा दिया होगा तब अपने पहचान पाएंगे कि दोनों में से बड़ा कौन है। तो अभी मैं लिख देता हूं कि आपका V2 है वो है लेस देन V1, मतलब V1 बड़ा है, V2 बड़ा है V1 से। ओके, अगर अपन इस टाइम अगर ऐसा देखना है तो दोनों सोर्स क्या कर रहे हैं, उल्टी दिशा में जुड़ रहे हैं। ये तो कह रहा है कि करंट ऊपर जा रही है तब पॉजिटिव आ रहा है, इसमें करंट क्या कर रही है, ऊपर निकल रही है तब आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस टाइम क्या होगा, यहां पर जो वोल्टेज मिलेगा वो कैसे मिलेगा, आपका V2 माइनस V1 मिलेगा आपको। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तब यहां पर वैल्यू दी जाएगी, मान लो यहां पर वैल्यू 10 दे दी, यहां पर 30 दे दी, तो आपकी आंसर कितना आएगा, 30 माइनस 10 बराबर 20 आंसर आ जाएगा। आगे चलें, अब हम देखते हैं नोट नंबर 3। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अब अपन देखते हैं नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 में क्या आता है, नोट नंबर 3 में अगर आपके पास ऐसे आ जाए कि ये दो आपके कोई वोल्टेज सोर्स है और ये किस में जुड़े हुए हैं, दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं, और यहां पर ये माना अपने पास क्या है, लोड है, और इस लोड पर आपकी वोल्टेज कितनी आने वाली है वो अपने को निकालनी है। तो सिंपल सा मामला है, कुछ नहीं करना बॉस, ये तो है आपका V1, ये आपका V2। तो इस कंडीशन के अंदर आपको क्या होना चाहिए कि V1 और V2 की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, समांतर क्रम में अगर वोल्टेज सोर्स लगा दिया तो उन दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपकी बराबर होनी चाहिए। तो बराबर होने का मतलब V1 प्लस बराबर V2। यहां पर अगर 10 वोल्टेज है, यहां पर 10 वोल्टेज है, तो आंसर भी लोड पर कितनी वोल्टेज आएगी, आपकी 10 वोल्टेज आएगी। अगर दिमाग में आ रहा होगा आपके कि सर अलग अलग कर दे, तो अलग अलग कर दिया तो KVL का नियम जो है वो फेल हो जाता है, किरचॉफ फेल हो जाता है, वहां पर किरचॉफ अप्लाई नहीं होता, फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, थ्योरम्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन निकालना पड़ता है। तो आप इतना याद रखें कि दोनों जो अगर पैरेलल में वोल्टेज सोर्स लगे हैं तो इनकी वैल्यू बराबर ही होनी चाहिए। ओके, नहीं तो आप लिख सकते हो KVL इज नॉट एप्लीकेबल। आगे चले, अगर अपने पास ऐसा भी आ सकता है, लास्ट नोट है ये आपका 4 नंबर, कि माना कि अपने पास एक तो दे दे वोल्टेज सोर्स और एक दे दे अपने पास करंट सोर्स, और अपने पास पूछे कि यहां पर वोल्टेज कितना आएगा। ये तो माना अपने पास I करंट सोर्स है, ये V वोल्टेज सोर्स है, और ये लोड पर आपका ये RL है। अब इस टाइम आपका जो लोड पर वोल्टेज कितना आएगा तो कैसे फाइंड करेंगे, तो इस कंडीशन के अंदर आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर दोनों सीरीज के अंदर लगे हुए हैं तो आप एक को रिमूव कर दो। रिमूव करने का मतलब एक सोर्स को आप हटा दो। मान लो अपन अभी वोल्टेज सोर्स पढ़ रहे हैं तो अपन प्राथमिकता किसको दे, वोल्टेज को दे लें, कोई दिक्कत नहीं है, तो अपन क्या करेंगे करंट सोर्स को हटा लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, उतना ही आंसर आने वाला है।
तो अगर आपके पास ऐसा कोई डायग्राम आ जाए तो आप उस डायग्राम को ऐसा बना लेना, यहां पर आपका लोड है, यहां पर वोल्टेज कितना आएगा आपका V ही आएगा। कोई प्रॉब्लम यानी इनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी अपन क्या करेंगे, इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार का आता है। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। तो अब अपन देखते हैं, ये चार क्वेश्चन है, इन चार क्वेश्चनों को करके देखते हैं। ओके, तो कितना सिंपल है, अपन ने पढ़ रखा है कि अगर आपके दो वोल्टेज सोर्स अगर आपके सीरीज में कनेक्ट हो रखे हैं, तो सीरीज में कनेक्ट हो रखे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें से करंट यहां से निकल रही है और यहां से निकल रही है। ओके, या फिर यहां से एंटर कर रही है और यहां से आपकी एंटर कर रही है। तो मतलब देखो, दोनों में नेगेटिव नेगेटिव से एंटर कर रही है और पॉजिटिव पॉजिटिव से निकल रही है, तो उस टाइम दोनों वोल्टेज सोर्स क्या करेंगे आपके, जुड़ जाएंगे। जुड़ जाएंगे तो 10 और 5 कितने हो गए आपके, 15। तो यहां पर लोड पर वोल्टेज कितना आएगा, 15 वोल्ट आएगा। चार क्वेश्चन है, इन पर सारों में क्या करना है, लोड पर आपको क्या निकालनी है, वोल्टेज निकालनी है। मैंने ऊपर क्वेश्चन लिखकर कहा है कि चारों क्वेश्चन में क्या करना है, लोड पर वोल्टेज निकालनी है। ओके, इसी प्रकार अपने पास क्या है, ये वाला क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या कर रहा है, देखो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट ऊपर जा रही है और इसमें पॉजिटिव टर्मिनल से क्या कर रही है, करंट एंटर कर रही है, और नेगेटिव टर्मिनल से क्या कर रही है, निकल रही है। एक दूसरे से विपरीत है कि नहीं है, है ना। तो इसमें से बड़ा कौन है, ऊपर वाला, तो नीचे वाला क्या करेगा, इसमें माइनस कर जाएगा। तो माइनस कर गया तो कितना वोल्ट बच गया, यहां पर 30 वोल्ट आपकी क्या आएगी, लोड पर वोल्टेज आएगी। आगे चले, आगे देखो कितना सिंपल मामला है, ये तो आप देखते बता दोगे कि दो अगर आपके वोल्टेज सोर्स पैरेलल के अंदर कनेक्ट है, तो दोनों पैरेलल के अंदर कनेक्ट है तो वोल्टेज क्या होनी चाहिए, दोनों की समान है कि नहीं है। तो आपका लोड पर वोल्टेज कितना आएगा, 10 वोल्ट ही आएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब अपन देखते हैं लास्ट, अगर आपके दिमाग में जैसे मैंने बताया था कि अगर अलग अलग आ जाए, तो सपोज करो कि ये मैंने अलग अलग क्वेश्चन दिया है, ये 10 वोल्ट का है, ये 20 वोल्ट का है, दोनों आपके समांतर क्रम में वोल्टेज सोर्स जुड़े हुए हैं और अलग अलग जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, देखो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ लोड पर आपकी वोल्टेज है कितनी आने वाली है, तो इस टाइम अपन नहीं बता सकते कि लोड पर वोल्टेज है कितनी आने वाली है। क्यों, क्योंकि यहां पर जो KVL है वो नॉट एप्लीकेबल है, KVL यहां पर सेटिस्फाई नहीं करता। ओके, तो ये याद रखें कि पैरेलल में हमेशा वोल्टेज की वैल्यू क्या आनी चाहिए, समान आनी चाहिए। क्वेश्चन आपका क्या है, KVL इज नॉट एप्लीकेबल। ओके, तो ये वीडियो अच्छी तरह से ध्यान से देखना, इसको देखने के बाद आप किसी भी बुक के क्वेश्चन करके देखना, लगभग सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई आपको डाउट आता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको वहां पर आपको रिप्लाई दे दूंगा। ओके, बाय बाय।